पन्ना जिले के पवई में मासूम से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने सौतेले पिता को गिरफ्तार कर लिया, न्यायालय में पेश किया। मामले की जानकारी देते हुए एसडीओपी रक्षपाल सिंह यादव ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक ने पुरस्कृत करने की घोषणा की है। बता दें, 10 मई को चांदनपुर गांव में एक मासूम के साथ उसके सौतेले पिता ने दुष्कर्म कर फरार हो गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तत्परता के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी एसपी शुक्ला, एसआई अवधेश दुबे, एसआई अंजलि सिंह राजपूत, एएसआई एचआर उपाध्याय समेत अन्य पुलिस कर्मचारी मौजूद रहे। थाना प्रभारी और उनकी टीम को रिपोर्ट लिखने के बाद थाना प्रभारी और टीम को तुरंत ही सक्रिय किया गया, क्योंकि ऐसी संभावना थी कि वो जो सौतेला पिता है उसका, वो बाहर मजदूरी करने चला जाता है हरियाणा दिल्ली तरफ। तो उसको जल्दी से घेराबंदी पुलिस अधीक्षक महोदय को बताया, चार तरफ घेराबंदी कराई और रात में उसको गिरफ्तार कर लिया है थाना प्रभारी ने, और लड़की का मेडिकल कराया गया।